हार्ड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन कैसे पे करना है मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्रोम पे चले जाना है, यू टैब खोलना है, वहाँ पे आपको डालना है सात निश्चय। सात निश्चय डालने के बाद जो पहला आएगा आप उस पर क्लिक करके खोल लीजिए। फिर ऐसा पोर्टल आ जाएगा जिसमें आएगा MNSBY, तो इस पे जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वहाँ पे सेलेक्ट कर लें। फिर एक ऐसा पेज आपको खुल के आ जाएगा, ये देखिए। फिर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ब्लू कलर से, क्लिक हेयर टू गो स्टूडेंट पोर्टल। तो आपको स्टूडेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पोर्टल मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड जो भी आपका है वो आप डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे तो ये आपका सारा डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। इसमें जाना है आपको, एक ऑप्शन है रीपेमेंट स्टेटस, रीपेमेंट स्टेटस में जाएंगे तो नीचे देखिए स्क्रॉल में आपका सारा आ जाएगा कि किस किस मंथ में आपको कितना कितना पे करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंटर पे योर अमाउंट, वहाँ पे जाके आप अपना अमाउंट डाल दीजिए। ये देखिए सारा ऑप्शन आ रहा है कि कौन से महीने में आपको कितना पे करना है और उसका स्टेटस क्या है। तो अभी आप ऊपर जाइए और यहाँ पे जो भी अमाउंट है जैसे, और इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि उतना ही है, आप कम ज़्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो मेरा जो अमाउंट है इस मंथ का वो मैं डाल दे रही हूँ और यहाँ से पे पे क्लिक कर देंगे जो साइड में पे लिखा हुआ है। तो उस पर क्लिक करने के बाद ही आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कैसे पे करना चाहते हैं। तो ये भारत QR कोड मैंने दो तीन बार ट्राई किया, ये नहीं होता है। UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड तो करता है, तो मैं चूज़ करूँगी यहाँ पे UPI और जो भी मेरा UPI है नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और जैसे आप अपना UPI ID यहाँ पे डालते हैं और मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वैसे ही आपको जैसे आपने फ़ोनपे पे किया तो फ़ोनपे पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा टू पे योर अमाउंट जो भी आपका है, और फिर उसमें डायरेक्ट पे करके क्लिक करके पे करेंगे ना तो यहाँ पे अपने आप वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। जैसे देखिए मैंने डाल लिया, मेक पेमेंट किया और यहाँ पे वैसे ही वो सक्सेसफुल दिखाने लगा है। तो बस ऐसे ही करना है।